सभी पत्रकार दोस्तों, अज लंबा समा फिर दोबारा सरकार दे नाल चौथे गेट की मीटिंग हुई है, जिदे विच साडियां बहुत सारियां जिहड़ियां हमारी समस्याएं, जैसे MSP की गारंटी लेने की थी, किसानों की कर्ज मुक्ति की बाकी थी, अभी स्वामीनाथन सिफारिशों की थी, WTO की बात अभी पीछे थी, उसके सब मांगों के ऊपर चर्चा आज हुई है। लेकिन एक बात पे मतलब अच्छी, जो सरकार ने हमें एक प्रपोजल दी है, ये मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। एक सरकार की ओर से हमें MSP को लेकर प्रपोजल आई है, और वो जो प्रपोजल आई है, उस प्रपोजल में ये बात कही गई है कि दालें, मक्का और कपास, इन सभी फसलों का पूरे देश के अंदर जितना भी उत्पादन होता है, ये केंद्र की दो एजेंसियों के द्वारा इनकी पूरी की पूरी फसल की MSP जो तय की जाएगी, उसके ऊपर खरीदी की जाएगी, और उन्हीं ही जो एजेंसीज हैं केंद्र की, उन्हीं के द्वारा हमारे साथ लिखित में उनका कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाएगा हमारे साथ, कि ऐसा ऐसे मतलब उनका फैसला हुआ है। बाकी बात पनेर साहब बताएंगे। देखिए, जैसे डलेवाल साहब ने बताया कि अभी कर्ज मुक्ति के ऊपर और C2+50% जो डॉक्टर स्वामीनाथन जी का फार्मूला उनके ऊपर, और जो हमने लिखा था गन्ना C2+100% उनके ऊपर, और बहुत सारी अन्य मांगों के ऊपर अभी वार्ता करके निष्कर्ष निकालना बाकी है। और जो MSP के ऊपर जो मंत्री महोदय ने आपको बोल के भी प्रस्ताव दिया है, तो ये प्रस्ताव ला रहे हैं, ये एक बात ये आई है, तो उसके ऊपर हम लोग अपने फॉर्मों में विचार विमर्श करेंगे, और जो माहिर हैं उससे भी राय लेंगे कि जो प्रपोजल आई है वो देश हित में, किसान मजदूर के हित में, खेती सेक्टर में हित में क्या सही है क्या गलत है, उसके ऊपर निर्णय बाद में करेंगे, या तो कल सुबह होगा या शाम को या परसों सुबह, सब बातें हो जाएंगी। और जो मंत्री महोदय ने भी कहा भी जो मांगे रह रही हैं उनके ऊपर सरकार भी जाकर विचार चर्चा करेगी, ठीक है। और तीसरी बात, इसीलिए पहले तो और था, जब सरकार कुछ बात के ऊपर विचार विमर्श करने के लिए सोच रही है, कुछ बात अपने आप से बोल दी है, इसीलिए आज 18 में 19-20 का समय मिलेगा। और दूसरा जो हमारा कार्यक्रम है 21-11 बजे, वो उधर जो दिल्ली जाने का कार्यक्रम है वो स्टैंड बाय है, वो हम क्लियर करते हैं, ठीक है ना। 21 को 11 बजे हम अपने दोनों फोरमों में विचार कर लेंगे, अच्छा होगा, सरकार भी और हम भी पूरा जतन करेंगे भी मिल बैठ के ये मसलों का हल हो जाए। अगर किसी कारणवश ऐसा ना हो सका, फिर सरकार से आग्रह करेंगे भी हमें पीसफुली ढंग से दिल्ली जाने दिया जाए, ठीक है। पहले मेरी बात तो पूरी होने दे रहे हो, और तो मैं भी उन्नी कर रहे हैं, मैं ता ही कर रहे हैं। तो एक मिनट, तो हम लोग अपनी विचार विमर्श जो है 19-20 को करेंगे, नहीं तो 21 को 11 बजे पीसफुली ढंग से
आगे जाने का निर्णय हमारा है। हम ए कल दो दिन करके थोनू बिलकुल कली कली गल समझावांगे वी पे पीसफुल किदां जाईदा। गल इन्नी है कि वो भी सारे आए सी कि वो भी गल सुन कही गया है कि एमएसपी प्रस्ताव ना आपां अजे सवाल नहीं लेने आप कह लिए आप कर देने जी पंजाबी कर दीती पंजाबी आ गई जी। एक मिनट जी एक मिनट हजे 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 हरियाणा दे दो बुलारे प्लीज हरियाणा दे दोनों बुलारे नु गल रख हो गया जी ब्रीफ एक मिनट का कर देना ब्रीफ मैं ना पंजाबी दसदे आ सुनोगे ताही करदे रिपीट यार रुपए बलेर जां ते तुहाडा दे दिए जस नो च ते तुहाडी तसल्ली हो जे यस नो च जवाब नहीं हुंदे हुंदे तर्कना ही जवाब हुंदे हुंदे ना मैं मेरी बेनती आ पी हजे कर्जे वाली गल ते डिस्कशन बाकी आ और बाकी सारियां मंगा ते हजे गलबात दे फैसला की हुंदा ओ बाकी आ। एमएसपी वाली गल ते जेड़ा प्रस्ताव आया थोड़े सामने मंत्री रख के गए आ ए गल हैगी आ। इस करके आपां 19 ते 20 नूं इहदे ते विचार करनी आ। केंद्र कहिंदा असीं विचार करनी आ ओ समां लग जू नहीं तां 21 तरीक नूं 11 वजे शांतमई ढंग नाल दिल्ली जाण दी तैयारी आ। असीं सरकार को भी अग्रह करांगे भी नहीं तां फिर सानूं दिल्ली जाण दित्ता जावे और आस इह रखदे आं भी इहनां दोवां दिनां विच मसलियां दा हल हुण दूजियां मंगां ते हुण हो जूगा। कल भी पीसी हो जानी है जी शाम नू भी हो जानी है परसों भी हो जानी है जी। मैं देखो जे सानू ठीक लग्या हुंदा असी अनाउंसमेंट कर देंदे असी उत्ते चर्चा करनी है की ठीक है की नहीं गा चर्चा करके इत्ते फैसला ले सकदे। बजेट साहब जे बाकी बंदे एक्सेप्ट करदे हैं प्रपोजल की सवाल प्लीज रुक जाओ पहला दोस्त काइंडली मेरा छोटा वीर बन के ना बोलो भी हरियाणा। देखिए हमारे बड़े लीडर्स ने आगे हमारे दोनों सीनियर लीडर्स सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी सरदार सरवण सिंह पंधेर जी ने आपको बता ही दिया है मीटिंग के बारे में सारी चीजें। हम तो ये तमाम हरियाणा पंजाब के तमाम साथियों से ये आग्रह करना चाहते हैं कि 19 को और 20 तारीख को हम अधिक से अधिक संख्या में जो मोर्चे खनौरी बॉर्डर पे और शंभू बॉर्डर पे लगे हुए हैं वहां पे अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे और खासकर हरियाणा के किसानों से हमारा विशेष आग्रह है कि जो ये दोनों फोरम संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं उनके अनुसार जो रणनीति तमाम किसान भाइयों के साथ साझा करी जा रही है समय समय पे उसी रणनीति के साथ हम आगे बढ़े और हमारी जीत निश्चित तौर पे होगी। तो हमारी यही प्रार्थना है खासकर हरियाणा के किसान भाइयों से कि वो अगले दो दिन अधिक से अधिक संख्या में खनौरी और शंभू बॉर्डर पे पहुंचे। और अब मेरे अलावा भाई अमरजीत सिंह मोड़ी जी हरियाणा से वो भी आपके साथ दो मिनट अपने विचार साझा करेंगे। आ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। हम आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं हरियाणा और पंजाब के किसानों को कि आपका आंदोलन पूरी दुनिया देख रही है सब लोगों के सहयोग की जरूरत है। सरकार ने हरियाणा के अंदर जो डर और भय का माहौल बनाया हुआ है हर गांव के अंदर पैरामिलिट्री फोर्स लगाई हुई है लेकिन फिर भी हजारों की संख्या में मोर्चे के ऊपर आ रहे हैं। मेरी अपील है हरियाणा के लोगों को कि ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर मोर्चे के ऊपर पहुंचे। एमएसपी गारंटी का कानून लेना है पूरे देश के किसानों की लड़ाई आप लोगों के कंधे के ऊपर है। सो मेरी अपील है बहुत कुछ लीडर साहबानों ने बोल दी है आगे भी बोलना है मैं तो यही अपील करूंगा पूरे देश के किसानों की मजदूरों की आर्थिक लड़ाई लड़ने के लिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर कल से अपनी कोशिश करें और 21 तारीख तक बड़ी संख्या के अंदर वहां पर पहुंचे ताकि हम बड़े शांतिप्रिय तरीके से सरकार ये रास्ते अपने आप खोलने पर मजबूर हो जाए। मजबूर तब होगी जब आप लोग बहुत संख्या के अंदर वहां पर पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो मौके पे फैसले ले जा सकते थे पर्चे सीखे
ਸਾਮਿਲ ਆਤੇ ਸੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪਰਚੇ ਸੀ ਹੋਏ ਦਰਜ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੀਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 10 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ ਫੈਸਲੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲ ਕੇ ਨਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ देखिए ये कन्फ्यूजन है जो प्रस्ताव आया पूरे देश भर के लिए ऐसा नहीं अंदर जो हमने डिस्कशन किया जो प्रस्ताव आया है अगर उस पर खरीदी यकीनी होगी तो पूरे देश भर के लिए पंजाब हरियाणा के लिए नहीं है ये स्पष्ट कर ले ठीक है सारे गल ते गल हुई है और जड़ी उन्हां ने कोई प्रस्ताव दिता वा ठीक है ओदे ते अपने फोरमां चर्चा करके सारे पक्ष विचार वाली गल आ और कानून बनाउण वाली गल आपां वापस नहीं लै ली हैगी ठीक है उच्च देखिए हमने ये नहीं कहा कि ये दोनों देखिए एक बात आगे कोई बात नहीं हमने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि ये दोनों इशू पे एक साथ बात करो ये नहीं कहा हमने ये कहा कि जो सरकार बार बार ये कहती है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करे हरियाणा पंजाब के किसान हमने कहा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और एमएसपी गारंटी का इशू इंटर रिलेटेड इशू है क्योंकि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन तभी होगी जब आप अन्य फसलों पे एमएसपी की गारंटी सुनिश्चित करेंगे तो इस तरीके से चर्चा नहीं 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 वो देखे देखिए कोई चीज हमें स्वीकार करनी है या नहीं कोई चीज हमें स्वीकार करनी या नहीं करनी है वो तो फोरम में लोकतांत्रिक तरीके से तय होगी अगर हमारी स्वीकृति होती तो हम कोई फैसला ही दे देते लेकिन हमारी स्वीकृति नहीं है तभी तो हमने ये कहा कि जो ये प्रपोजल आया है इसको हम अपने दोनों फोरमों के तमाम नेताओं के साथ साझा करेंगे वहां पे मंत्रणा होगी वहां पे विचार चर्चा होगी अदरवाइज हमारा 21 तारीख का जो कार्यक्रम है जो हमारे सीनियर लीडर्स ने बताया 21 तारीख को 11 बजे शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली की तरफ चलने का कार्यक्रम हमारा एज इट इज स्टैंड कर रहा है और हमने तमाम वहां पे तर्क हुए किसानों ने बार बार किसान ये प्रूव कर रहे हैं कि किसान आंदोलन के लिए भी मजबूत है और किसान टेबल टॉक पे भी मजबूत है हमने तमाम तथ्य रखे कि अगर बात अकेले पाम ऑयल के इंपोर्ट की करें एक तरफ सरकार कहती है आत्मनिर्भर भारत बनाना है लेकिन दूसरी तरफ एक साल में 90 लाख टन से ज्यादा पाम ऑयल बाहर से इम्पोर्ट किया जा रहा है लेकिन अपने देश के किसान जो खाद्यान्न तेलों से संबंधित फसलों की खेती करते हैं उनको एमएसपी नहीं दिया जा रहा तो ये तमाम बातें हुई दो साल से ऊपर एक दो साल से ऊपर हो गए सीनियर गैस छड़ी जा रही है उन हालात में तुम किवें जाओगे बैरिकेड लगे ने तुम लगता नहीं कोई ना कोई कोई घटना वापर सकती है तुम उन हालात क्योंकि यूथ भी जख्मी है टीयर गैस छड़ी जा रही थी तुम ये दस सकते जे भी केड़े कानून ना बैरिकेड लगे ने बैरीकेड लाउन दे विच किसानां दा दोष आ बैरीकेड केड़े कानून नाल लगे ने जिहड़ा देश दा कानून ही नहीं कहिंदा पीसफुली प्रदर्शन करन दा हक सानू हैगा सरकार दा वे जो C2+50% का प्रॉमिस था दो साल से ऊपर का हो गए है किसान आंदोलन पहले किसान आंदोलन को आपको सरकार ने क्या बताया उस पर दो साल में सरकार ने क्या होमवर्क किया आपको साफ है अभी C2+50% के फार्मूले पे अभी चर्चा बाकी है नहीं सरकार ने आपको क्या बताया क्या होमवर्क किया है उसके मैं बोला अभी उस पर चर्चा बाकी है उन्होंने कोई बात ही नहीं की उस पर ऐसा नहीं है अभी उस पर चर्चा बाकी है जब बाकी क्या चर्चा हुई है इससे पहले बहुत चर्चा हो चुकी है जदो तक कोई फाइनल जे फाइनल हो तो अगले बोल के जान गए थे जे बोल के जान गए तो फाइनल होगा दूजा ओ कोई पहले सुन लो पहले सुन लो
कोई प्रेशर नहीं हैगा, कोई लेना देना नहीं हैगा। सवाल सिर्फ इना भी जे सरकार कोई गल कर दी आ, तुसी उन्ना चो जे उस वेले कहना भी ये सोचते भी नहीं हैगे और ये कला भिड़ना चाहते आ, ठीक आ, स्पष्ट आ। असी सोचांगे, विचारांगे, ठंडे दिमाग नाल फैसला करांगे, जिहड़ा ठीक लगूगा कर लांगे, नहीं लगूगा हुण अगली दसो।